कि पंजाब दे हालात अज किधर जा रहे हैं। जिहड़ी पंजाब दी सरकार है जिस ढंग दे नाल अज सारी ये प्लानिंग चल रही है, ये बड़ा ही हैरानीजनक ते चिंताजनक विशा बनता जा रहा है। असी सोच रहे सां कि एक व्यक्ति जिहनूं तुसीं समझदे हो कि वह गलत गतिविधियां कर रहा है, सरकार दी नज़र विच जां पुलिस दी नज़र दे विच उहदी गतिविधि जे देश विरोधी है ज समाज विरोधी है जां तुहानूं लगता है कि कानून दे विरोधी है तां उहनूं फड़ना किन्ना कु औखा हुंदा है। जे 8-8 ज़िलिआं दी पुलिस ला के सेंटर तों पुलिस मंगा के सारियां फोर्सिज़ मगर लग के दिन दिहाड़े एक व्यक्ति कोलों तुहाडे चला जावे तां फिर फेलियर किहदा है? इह सरकार दा फेलियर। जे 6 महीने तुहानूं इह नहीं पता लग सकिआ कि उह व्यक्ति कर की रिहा है, लोकां दी रोज़ कचहरी विचों फिरदे सी, रोज़ चलदे सी, पंजाब दे कोने कोने विच उहने पहुँच कीती और अमृत संचार की गल भी करते सन, धर्म प्रचार की गल भी करते सन, तो जो लैक्चर से वह हर व्यक्ति सुनता भी सी। तो पंजाब सरकार उदों सुती पई सी, सेंटर सरकार उदों सुकी पई सी, की इंटैलीजेंसी इन्हां दी कित्थे सी जिहड़ी 6-7 महीने लगातार उहनूं समझ नहीं सके कि बनदा की पिया। अज रातों रात पता लगा कि वह किहदा एजेंट है, की कर रहा है, हुण सारा कुछ निकलता आ रहा। अज सारा कुछ ही जो पाकिस्तान दी गल्लां भी कीतियां जा रही, ISI दी गल्लां भी कीतियां जा रही, इस गल की हैरानी हो रही है कि जे सरकार इन्ना इन्ना चिर सह के दे बाद विच उस ढंग ना काम करे कि जिहड़ा व्यक्ति दोषी समझते है उन्हूं पकड़ भी ना सकन, तो फिर ये अपनी ये कामयाबी समझती है कि नलाकी समझते है। सारी दुनिया के लोग हैरान है कि वो बच्चे जेडे कि घर इनोसेंट या जज्बाती तौर पर उन्हें जाते लैक्चर सुन के प्रभावित होंगे सी, नौजवानी कभी होश नूं नहीं देखती, जोश नूं ज़्यादा देखती है। सो जे जोश में आके वह चले जाते सन उन्होंने तो पकड़ के अंदर देता, किन्ना किसी का दोष है ये तो बाद देखा जाएगा। सरकार की करती है, पुलिस की करती है, अज कहती है कि 170 बंदे इनोसेंट लगते हैं। जे इनोसेंट सी तो पहला उन्होंने इन्ना दहशत पा के चुक के लोगों के इन्ना ड्रामा करने की लोड़ सी? चलो असी कहने जे अज भी वो इनकुआरी करके छड़ दें तो शायद छेती बच्चे जड़े अपने पैरों पर खड़े हो सकन। अज पंजाब की सरकार का फर्ज बनता सी कि उन्हां नौजवानों रुजगार देने वाले पासे तोड़ दे, उन्होंने समझाते, घर चो बुलाते, और अमृतपाल सिंह जो फड़ना होंगे तो उन्होंने घरों 9 बजे घरों निकलता तो उन्होंने घरों फड़िया जा सकता सी। उन्होंने पिछे 100 गड्डी लगी हो जल्दा 100 गड्डी के निकल के चला जाए, ये भी एक पता नहीं समझ नहीं आ रही भी कार्रवाई की चल रही है। सो सारे लोग शशोपंच है तो यह सोचते हैं कि पंजाब के हालात कित इस पासे ना चले जाए जेडे पासे सरकार तोड़निया चाहदियाँ। सो 80 दे दहाके की गल असं जानते हैं, वह भी असं सारा कुछ देखे कि असी कि संताप हंडाया 84 पंजाबी कोई नहीं चाहता, पंजाब के लोग नहीं चाहते कि कोई खालिस्तान मंगता हो सपोर्ट करिए, असी नहीं चाहते कोई गलत गल हो असी देश विरोधी गल सहन कर सकी, पर जे असी सहन नहीं कर सकते तो फिर वह गल्ला जो होंदिया सी उदो सरकार एजेंसियां की कर दिया सी। सो मैं तो यही बेनती करा कि सरकार नूं कि इस तरह गलत तरीके दे नाल नौजवानों नूं छोटे छोटे बच्चे उन्होंने घर माता पिता गरीब बिलकते पे है NSA लगा के बाहरली स्टेट में भेज देना जिते कोई जा ही ना सके, माता पिता ने मिलना होंगे तो उन्होंने अपनी स्टेट भी रखा जा सकता, किन्ना किसी का की दोष है सानू नहीं पता, ये सरकार जानती है किन्ने की गलती की है कि की दोष है, लेकिन उदों तो सारे शाबाश देंदे रहिंदे है जो तो बच्चे घर चो वीहर जाते हैं वीहर कट के तुरते हैं तो फिर जो एकदम आके इन्नी सिखा की अग बना के बालन बना के लोगों के परसू पा देना, मैं समझती है साढ़े वास्ते बहुत ही चिंताजनक विषय। सरकार को बेनती है कि तुरंत उन्होंने रिलीज़ किया जाए जो इनोसेंट है, जेडे बेचारे निर्दोष अंदर चले गए है और घर चो कभी बाहर भी नहीं निकले जिन्होंने NSA भी लग गई हो, साधारण व्यक्ति ने जिन्होंने NSA लग गई जिन्होंने पता ही नहीं है कि NSA की है, बच्चे पिछे मर जाएंगे, भुखे मर जाएंगे, छोटे बच्चे पालेगा कौन, पंजाब के हालात जी त्रासदी बन जाएगी। असी यही बेनती करने वास्ते गए सी, ये नाल ये भी है कि जेड़ी अज का ये शो लोगों सामने आ रहा है इस तरह लगता कि जिस तरह कितने बनी बनाई स्क्रिप्ट होंगी है,
सारे लोग इस वेले महसूस करते हैं भी कभी उन्होंने गड्डिया चाड़ देंगे कभी रेहड़े चाड़ देंगे कभी मोटरसाइकिल चाड़ देंगे कभी कितने बाजार से पंचर लगाते दिखाते हैं। एक की कहानी है, तो जे इन्नी फोर्स को एक व्यक्ति नहीं फड़िया जाता तो पंजाब की राखी कि